नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CGL का। आप सभी लोगों को पता है एग्जाम इस टाइम पर चल रहा है दोस्तों, फाइनली काफ़ी कैंडिडेट का हो भी चुका है। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट के डाउट्स आ रहे हैं कि इसके आंसर की को लेकर बता दीजिएगा कि भाई इसके आंसर की कब तक आएगी। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आंसर की इसकी कब तक आने वाली है, और बात करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट जो है आप सभी का कब तक आएगा। साथ ही बात करेंगे कि टीयर टू का पेपर आप सभी का जो है कब तक होने वाला है, और बात करेंगे टीयर टू के पेपर में आप सभी का क्या क्या पूछा जाएगा, और फाइनली आपका फिजिकल में क्या होगा, किस किस पोस्ट के लिए फिजिकल होने वाला है, और बात करेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होता है। तो दोस्तों अगर आप A to Z जानकारी इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि आसानी से आप लोग इस वीडियो के बारे में कंप्लीट डिटेल जान पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, आप सभी का एग्जाम जो है 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, और फाइनली आप सभी का एग्जाम जो है 27 जुलाई 2023 तक आप सभी का एग्जाम चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, मेनली बात करते हैं आप सभी के आंसर की को लेके। तो आंसर की आप सभी लोगों को पता है SSC जो है आपका टाइम से आपका आंसर की रिलीज कर देता है। जैसे कि मैं बात करूँ 6 से 8 दिन के बीच में आप सभी की आंसर की आ जानी चाहिए। अगर मैं एक डेट के बारे में बात करूँ तो आपकी आंसर की जो है आप सभी की या तो आपका 2 अगस्त से आ जाना स्टार्ट हो सकते हैं, आंसर की हो सकता है 2 अगस्त को ही आ जाए, या फिर आप सभी का 5 अगस्त तक मैक्सिमम आप सभी की आंसर की जो वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएगी। और जैसे ही दोस्तों आप सभी की आंसर की आएगी, हम यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म भी कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मेरे लिए बात करते हैं कि आपके आंसर की जो है, दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे 4 या 5 दिन आप सभी की अवेलेबल रहती है, तो आप सभी लोगों को आंसर की को तभी देख लेना है। अब ये सोचें कि आप लोग बाद में देखेंगे 4-5 दिन के बाद में, तो आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं रहेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। तो देखिए रिजल्ट सबसे पहले आता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें आपके नाम और रोल नंबर होते हैं। जो भी कैंडिडेट टीयर 1 का आपका सिलेक्ट पास होते हैं और टीयर 2 के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनका जो लिस्ट में नाम आता है आपका रोल नंबर आता है बस, और कुछ भी नहीं आता वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका रिजल्ट को लेके। आप लोग पूछेंगे कि रिजल्ट इसका कब तक आ जाएगा, तो अगर मैं इसके रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आपका 50 से 60 दिन के बीच में आप सभी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। जैसा कि अभी 2022 का एग्जाम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो आपका रिजल्ट जो है, आप सभी का डेट के बारे में बात करें तो 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2023 तक आप सभी का जो रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। ये डेट आप लोग अपना देख लीजिएगा, इसी डेट के इर्द गिर्द आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे मैं बात करता हूँ देखिए इसके मार्क्स के बारे में। तो देखिए तभी जब आपका रिजल्ट आता है तो उसी में आपकी मार्क्स की डेट भी दे रखी होती है, क्योंकि इस डेट को आपके मार्क्स यानी स्कोर कार्ड रिलीज किया जाएगा। और जो स्कोर कार्ड होता है वो आपके 8 से 10 या 15 दिन के बीच में आप सभी का स्कोर कार्ड की डेट दे दी जाती है जब आपके रिजल्ट आता है। तो आपको तभी आप लोग स्कोर कार्ड भी चेक कर पाएंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं, कितना नॉमिनेशन हुआ, सारी डिटेल आप लोग तभी चेक कर पाएंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आप सभी की टीयर 2 के बारे में। तो देखिए टीयर 2 के पेपर के लिए आपको कितना टाइमिंग मिलने वाला है, तो दोस्तों मैं आप सभी को थोड़ा सा इसके एग्जाम के बारे में बता देता हूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है भाई, बहुत से लोग आपको जानते हो, लेकिन जो भी प्रोसीजर आपका टीयर 2 का होने वाला है वो आपका एक ही दिन होगा, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपके देखिएगा सेशन फर्स्ट के बारे में। तो सेशन फर्स्ट में जो आप सभी का पूछे जाने वाला है वो आपका मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अगर मैं बात करना चाहूँगा, देखिए आपके मैथ्स से टोटल आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग से तो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और बात करना चाहूंगा कि मार्क्स के बारे में, तो एक क्वेश्चन जो आप सभी का 3 नंबर का होता है टोटल बात करें तो देखिए 90 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा, 90 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स होगा। ठीक है भाई, टोटल आपका ये सेशन 1 के लिए 1 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। आगे मैं बात करता हूं देखिए सेशन 2 के बारे में। तो सेशन 2 में आपका देखिए इंग्लिश से बात करूं तो 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा जिसमें आपके 135 नंबर की इंग्लिश रहने वाली है। बात करता हूं आपके जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो जनरल अवेयरनेस से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल आपके कितने 75 नंबर का आपका पेपर होगा ये भी। ठीक है, इसके लिए भी अलग से आपको 1 घंटा दिया जाएगा जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ होगी, ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, ये चीज आपको मैंने जो आपकी बताई है सेशन 1 और सेशन 2, इसी के बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है। और इसी जो भी आपका 390 नंबर का पेपर है, ये आपका इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके, ये 4 आपके जो सब्जेक्ट है इसी से आपको जो है मेरिट बनेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बात करता हूं कंप्यूटर के बारे में। तो सेशन 3 में होगा जो कि उसी दिन आप सभी का होने वाला है, उसमें आपको देखिए आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, 60 नंबर का रहेगा, 15 मिनट में आपको कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है इसका कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, आगे मैं बात लेता हूं देखिए आपका जो आपका ये डाटा एंट्री टास्क होता है जो कि डाटा टाइपिंग टेस्ट होगा जो आपको 15 मिनट में आपको क्लियर करना होगा। ठीक है भाई, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके भी कोई भी आपको नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है भाई, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बता देता हूं आप सभी को, थोड़ा लाइट में दिक्कत हो रही है यहां पे अभी, मैं आपको दोस्तों थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, तो चूंकि शाम हो चुकी है इसलिए थोड़ा लाइट मतलब
सूरज आपका पूरा चला गया है, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। बात करते हैं, आपको मैंने जो बताई आपका कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट आपका जो है क्वालिफाइंग नहीं चल रहा है, इसका कोई भी नंबर अभी आपका नहीं जुड़ेगा, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश से आपके 390 नंबर का जो पेपर है उसी से आपके मार्क्स जुड़ेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टोटल प्रोसीजर एक ही दिन में होगा, आप सभी को मैं पहले बता देता हूँ। अब आप लोग पूछेंगे भाई कि ये सारा प्रोसीजर एक ही दिन में होगा, तो दोस्तों हाँ एक ही दिन में होगा। बात करते हैं आपके डेट्स के बारे में, तो देखिए आपके डेट्स भी ज़्यादा दिन नहीं आप सभी को मिलते हैं। अगर मैं आपको डेट्स के बारे में बताऊँ, आपके टीयर टू का जो पेपर होने वाला है वो आप सभी को एक डेट मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड हो सकता है ऊपर नीचे भी हो, थोड़ा बहुत हो जाए। वो आपकी डेट के बारे में बात करूँ तो देखिए 20 से लेकर 25 अक्टूबर 2023 तक आपका टीयर टू का पेपर भी आप सभी का हो जाना है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आप सभी का हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं देखिएगा, और अब बात करते हैं देखिए आपके आंसर की को लेकर टीयर टू के पेपर के बारे में, तो आंसर की भी आपकी 6 से 8 दिन के बीच में आप सभी की आंसर की आ जाती है, तो उसके बारे में बात करें तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आप सभी की उसकी भी टीयर टू के पेपर की भी आंसर की आ जाएगी, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं देखिए आपके सभी की फाइनल रिजल्ट के बारे में, दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल कराया जाता है, तो वो पोस्ट मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप लोग सेंट्रल एक्साइज पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं, एग्जामिनर पोस्ट के लिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए, और आपका सीबीआई के लिए, एनआईए के लिए, या फिर आप लोग एनसीबी के लिए अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं, तो इसमें आपको कुछ फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया, तो वो फिजिकल क्राइटेरिया मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूं। जैसे कि मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आपको एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, एग्जामिनर पोस्ट के लिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए, तो अगर मैं बात करूं तो आपकी हाइट के बारे में, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो इनके लिए 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए और फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट मेजरमेंट मेल कैंडिडेट का होता है, जिसकी फुलाने के बाद आपका जो है 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए चेस्ट, ठीक है। फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। आगे मैं बात करूं आपके वेट के बारे में, तो वेट आपका फीमेल का 48 kg होना चाहिए, और जो रिलैक्सेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा बहुत छूट दी जाती है, वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा बाद में। बात करते हैं वॉकिंग, यानी कि थोड़ी सी वॉकिंग आप सभी की कराई जाती है मेल कैंडिडेट की, 1600 मीटर की आपको 15 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ती है, और फीमेल को आपको 1 किलोमीटर की वो आपका वॉकिंग कंप्लीट करनी है 20 मिनट में, ठीक है भाई। आगे बात करता हूँ देखिए आपकी साइकिलिंग कराई जाती है आपसे मेल कैंडिडेट के लिए, 8 किलोमीटर की साइकिलिंग कराई जाएगी, जो कि आपको 30 मिनट में करनी होगी। अगर बात करूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल के लिए बात करें तो देखिए 3 किलोमीटर की साइकिलिंग कराई जाएगी, जो कि आपको 25 मिनट में करनी होगी, ठीक है। बात करते हैं सीबीआई पोस्ट के लिए, थोड़ा सा हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, तो सीबीआई पोस्ट के लिए हाइट का क्राइटेरिया मैं आप सभी को बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो सीबीआई पोस्ट के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया होना चाहिए वो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल का जो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। बात करता हूँ एनआईए की पोस्ट के लिए, तो एनआईए के लिए पोस्ट के बारे में बात करें तो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की पोस्ट हाइट होनी चाहिए, और फीमेल की जो है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है भाई। बात करते हैं देखिए आप सभी की एनसीबी पोस्ट के लिए, तो एनसीबी पोस्ट के लिए बात करें तो देखिए आपका 165 सेंटीमीटर आपकी मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए, और 150 सेंटीमीटर जो आपका फीमेल की हाइट होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये मैंने आपको कुछ क्राइटेरिया बता दिए जो जो भी आपकी पोस्ट है उनके लिए, ठीक है भाई। बात करते हैं विजन, 6x6 और 6x9 आपका विजन होना चाहिए, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको गो थ्रू यानी कि जल्दी जल्दी आपको मैंने बता दिया, बिकॉज थोड़ा सा अंधेरा हो गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर साइड से बिल्कुल भी आपका थोड़ा लाइट का जुगाड़ करके हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने सारी जानकारी थी थोड़ा जल्दी जल्दी आप सभी को बता दिए, बाकी आप लोग समझ ही चुके होंगे मेरे हिसाब से, फिर भी कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप मेरे हिसाब से आपको सारी जानकारी क्लियर तरीके से सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेश्चन आप सभी का रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।